नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नेचुरल गार्डन से कुछ नेचुरल सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इन लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद तोरी की हार्वेस्टिंग करेंगे और अभी हमारे नेचुरल गार्डन में इस साइज़ की तोरी लगी हुई है। और यह फल व सब्जियां हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इस पपीते की हार्वेस्टिंग करेंगे और यह पपीता पेड़ पर ही पक चुका है। हमारे नेचुरल गार्डन में देसी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा संख्या में घूमती रहती हैं। यह चिड़िया अभी देखने में बहुत ही कम नज़र आती हैं, लेकिन हमारे नेचुरल गार्डन में प्राकृतिक माहौल होने की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में चिड़िया, पक्षी और इंसेक्ट घूमते रहते हैं। हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाते। यह हिसार सफ़ेदा अमरूद का पौधा है। इसका एक फल हमने टेस्ट कर देख लिया है जो खाने में बहुत ही मीठा है। अभी हम इस पौधे की ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे। यह फल हमने तोड़ दिया है और इसकी कटिंग भी कर दी है। अभी हम इस पर 2 साल से पहले कोई भी फल नहीं लेंगे। 2 साल तक इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। यह छोटे से पपीते की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। यह छोटा सा पपीता खाने में बहुत ही मीठा होता है और अंदर से बिल्कुल लाल होता है। और यह देखिए, तितली का बच्चा उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। बैंगन भी बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। सबसे पहले इस बैंगन की हार्वेस्टिंग करेंगे। और इसके बाद इस दूसरे बैंगन की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम बैंगनों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ बैंगन का साइज बहुत ही अच्छे साइज है। इस बैंगन का साइज भी बहुत ही बड़ा है। इस बैंगन की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। बैंगन की चमक देखिए, बहुत ही सुंदर बैंगन लगे हुए हैं। करेलों की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में करेले लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े साइज के करेले लगे हुए हैं। उस तोरी की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। तोरी की लंबाई देखिए,
काफ़ी ज़्यादा संख्या में और लंबी लंबी तोड़ी लगी हुई है, और नेचुरल रूप से उगाने की वजह से इन सब्जियों का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है और काफ़ी कम समय में ये सब्जियां बनकर तैयार हो जाती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और गार्डनिंग की शुरुआत मैंने अपने परिवार के लिए की थी ताकि मैं अपने परिवार को नेचुरल सब्जियां और फल खिला सकूं। इन सब्जियों की आज हमने हार्वेस्टिंग की है, काफ़ी ज़्यादा तोरियों की हार्वेस्टिंग की है, बैंगन भी काफ़ी हैं और कुछ करेले भी हैं। कुछ दिन के बाद फिर से हम सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सीडलेस लेमन की हार्वेस्टिंग की है, काफ़ी बड़े साइज के नींबू लगे हुए हैं, इनके अंदर एक भी बीज नहीं होता। कुछ तोरियां पत्तों के पीछे छिपी रहती हैं और उनका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। काफ़ी ऊंचाई पर भी तोरी लगी हुई है, तोरी की बेल मोरिंगा के पेड़ पर चढ़ चुकी है। कुछ बैंगन की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सीडलेस लेमन को कट करके दिखाएंगे अंदर से यह कैसा नज़र आता है। इसके अंदर एक भी बीज नहीं होता और कई नींबूओं का रस इसमें होता है। इस तोरी की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तोरी का साइज देखिए। पत्तों के पीछे छिपी हुई तोरियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और यह देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में तोरियां लगी हुई हैं। करेलों की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं।
लाल मिर्चों की भी आज हार्वेस्टिंग की है। सीडलेस लेमन की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। यह लाल अचारी मिर्च की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और तोरियां तो हमारे निचले गार्डन में काफी ज्यादा संख्या में लगी हुई है। इस पके हुए छोटे से पपीते की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। यह हमने बैंगन की हार्वेस्टिंग कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।